ये हैं जैकलीन पसरीचा और कॉमेडियन अबीश मैथ्यू, दोनों माफी मांग रहे हैं, माफी अपने भद्दे कमेंट के लिए। मामला उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से जुड़ा है। वैसे जैकलीन पसरीचा महिलाओं के मुद्दे पर जोर शोर से अपनी बात रखती हैं। वह फेमिनिज्म इन इंडिया के संस्थापक एडिटर इन चीफ है, लेकिन 2012 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर एक आपत्तिजनक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा था, मायावती लोकसभा में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात कर रही हैं। लालू गुस्से में बोले, बेबी जब आप गेम नहीं खेल सकती तो नियम मत बनाओ। अब ये ट्वीट जोर शोर से वायरल हुआ तो लोग पसरीचा की आलोचना करने लगे, उन्हें बुरा भला कहने लगे। 18 मई को उन्होंने माफी मांग ली। कुछ ऐसा ही हुआ है कॉमेडियन अबीश मैथ्यू के साथ। अबीश को 9 साल पुराने ट्वीट मामले में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगनी पड़ी है। अबीश ने गुरुवार को इस बाबत एक लंबा बयान जारी कर माफीनामा पोस्ट किया है। दरअसल साल 2012 में अबीश ने अपने ट्वीट में मायावती के लिए घटिया कमेंट किया था। बीते दिनों उनका ट्वीट अचानक फिर से सुर्खियों में आ गया और अबीश की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। ट्विटर पर इस दौरान हैशटैग अरेस्ट अबीश मैथ्यू ट्रेंड हुआ। ट्विटर की नीतियों के उल्लंघन के कारण अबीश का पुराना ट्वीट हटा दिया गया है। बता दें, अबीश ने ट्वीट में मायावती को सो अगली यानी बदसूरत शब्द का इस्तेमाल किया था। अब गुरुवार को मामला फिर से बढ़ते देख अबीश ने तत्काल माफीनामा पोस्ट किया। अबीश ने अपने माफीनामे में लिखा है कि 2012 में किए गए उनके एक ट्वीट के फिर से सामने आने के बाद वह इसमें सेक्सिज्म देख सकते हैं। अबीश ने इसके लिए बिना शर्त माफी मांगी है। वे कहते हैं कि उनके शब्दों से हर जगह की महिलाओं को ठेस पहुंची है, ऐसे में वह उन खराब शब्दों के लिए शर्मिंदा है।